नमस्कार, मैं दिव्या वोकल न्यूज में आप देख रहे हैं मर्डर मिस्ट्री ऑफ पुलकेश कुमार। पुलकेश कुमार जो कि एक प्रसिद्ध और कानपुर के सम्मानित पत्रकार के साथ साथ साप्ताहिक पत्रिका कानपुर राष्ट्र के संस्थापक और प्रधान संपादक के नाम से जाने जाते हैं। माना जाता है ये पत्रकारिता के प्रति इनका व्यक्तित्व अपने निडर और समझौता न करने वाला था, लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इनकी मृत्यु बड़े ही रहस्यमय तरीके से 23 अक्टूबर 2008 को काकादेव शहर में कानपुर राष्ट्र पत्रिका के कार्यालय के बाहर एक कार बम विस्फोट हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि इसके आसपास की इमारतें हिल गईं और आसपास के ब्लॉक की खिड़कियां टूट गईं। इस खतरनाक विस्फोट होने के बाद यह खबर आती है कि इस धमाके में जाने माने पत्रकार पुलकेश कुमार की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, पुलकेश के इस जीवन का अंत होना केवल व्यक्तिगत रास्ते नहीं बल्कि कानपुर में की प्रेस पर आजादी पर आघात। साथ साथ यह भी खबरें आई कि विस्फोट के दिन पुलकेश के साथ कानपुर राष्ट्र पत्रिका निदेशक नकुल सिंह भी थे, जिनके हमले में मृत्यु हो गई थी। अनुमान लगाया जाता है कि इस कार बम विस्फोट में 1 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक विस्फोट हुआ था। पुलकेश की मौत की खबर ने कानपुर मीडिया और राजनीतिक प्रतिष्ठान को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। यह स्पष्ट था कि उनकी हत्या अचानक कार विस्फोट से नहीं बल्कि एक सोची समझी जानबूझकर की गई हिंसा थी। कानपुर के अधिकारियों ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपराध की व्यापक जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि पुलकेश की हत्या कोई अकेली घटना नहीं बल्कि यह कानपुर में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और डराने धमकाने व्यापक पैटर्न का हिस्सा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा था कि पुलकेश की हत्या से पहले महीनों में कई पत्रकारों को धमकियां मिली थी, यहाँ तक कि उन पर शारीरिक हमला भी किया। जैसे जैसे अधिकारियों ने मामले की गहराई से पड़ताल की, उन्होंने एक जटिल आपराधिक साजिश के सबूतों को उजागर करना शुरू कर दिया। आखिरकार इन गहराइयों से पड़ताल करने के बाद इस बात का पता चला कि मुख्य संदिग्ध संजू भाई का नाम एक कुख्यात कानपुर अपराधी था। इलाहाबादी नाम से जाना जाता था और यह भी कहा जाता है कि संजू गैंग का एक नेता जो मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक कानपुर के अधिकारियों ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपराध की व्यापक जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि पुलकेश की हत्या कोई अकेली घटना नहीं बल्कि यह कानपुर में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और डराने धमकाने के व्यापक पैटर्न का हिस्सा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा था कि पुलकेश की हत्या से पहले महीनों में कई पत्रकारों को धमकियां मिली थी, यहाँ तक कि उन पर शारीरिक हमला भी किया गया। जैसे जैसे अधिकारियों ने मामले की गहराई से पड़ताल की, उन्होंने एक जटिल आपराधिक साजिश के सबूतों को उजागर करना शुरू कर दिया। आखिरकार इनके गहराई से पड़ताल करने के बाद इस बात का पता चला कि मुख्य संदिग्ध संजू भाई नाम का एक कुख्यात कानपुर अपराधी था, जिसे संजू इलाहाबादी के नाम से जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वह संजू गैंग का नेता था जो मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक अपराधी संगठन था। अपराधियों ने जल्द ही संजू गिरोह के सदस्यों और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सहित नए संदिग्धों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन हत्या के पीछे मकसद क्या था, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तनाव के साथ साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। उनके समर्थकों ने कोर्ट हाउस के बाहर रैली की। मीडिया अफवाहों और अटकलों से भरा हुआ था कि सबको बस यही जानना था कि हत्या के पीछे कौन था और उनका मकसद क्या था। जैसे जैसे मुकदमे की प्रगति हुई, प्रतिवादियों के खिलाफ सबूत बढ़ने लगे। गवाहों ने हत्या की योजना के बारे में गवाही दी। अभियोजन पक्ष ने फोन रिकॉर्ड और निगरानी फुटेज पेश किए, जिसमें संदिग्धों को अपराध में फंसाया गया था। हालांकि जैसे जैसे जांच पड़ताल की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे नई चीजें सामने आ रही थी। यहाँ एक बात सामने आई जो कि सबको अचंभा में डाल दी थी, कि बात ये थी कि मुकदमे में एक प्रमुख गवाह संजू गैंग के पूर्व सदस्य ने खुलासा किया कि पुलकेश की हत्या सिर्फ एक पत्रकार को चुप कराने के लिए नहीं था बल्कि यह कानपुर की राजनीतिक और संगठित अपराध में शक्तिशाली हस्तियों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। गवाह ने दावा किया कि पुलकेश ने इन आंकड़ों के बीच भ्रष्टाचार और मिली भगत के सबूतों का खुलासा किया था, जिसके कारण उन्होंने इससे मारने की साजिश रची थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि संजू गिरोह शक्ति और प्रभाव के इस बड़े खेल में महज एक मोहरा था। अब इन्वेस्टिगेशन ड्रामेटिक होते हुए दिख रहा था, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। प्रतिवादियों ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, भले ही उनके खिलाफ सबूत बढ़ गए। अदालत कक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, क्योंकि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने इसका मुकाबला किया।
और यहाँ आकर अंत में फैसला सुनाया गया कि हत्या का मास्टरमाइंड संजू भाई दोषी है और उन्हें 40 साल की जेल की सजा सुनाई है। अब इन्वेस्टिगेशन ड्रामेटिक होते हुए दिख रहा था क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। प्रतिवादियों ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी भले ही उनके खिलाफ सबूत बढ़ गए। अदालत कक्ष में तीखी नोकझोंक हुई क्योंकि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने इसका मुकाबला किया। और यहाँ आकर अंत में फैसला सुनाया गया कि हत्या के मास्टरमाइंड संजू भाई दोषी है और उन्हें 40 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। संजू गैंग के कई अन्य सदस्यों और उनके साथियों को भी दोषी पाया गया और उन्हें लंबी जेल की सजा दी गई। अब हम आकर इस पूरी घटना के निष्कर्ष की बात करें तो पुलकेश कुमार की हत्या उन खतरों की दुखद याद दिलाती है जिनका सामना पत्रकारों को करना पड़ता है और भ्रष्टाचार को उजागर करने और सत्ता के सामने सच बोलने के लिए सामने आते हैं। अब हम अगर इस पूरी घटना के निष्कर्ष की बात करें तो पुलकेश कुमार की हत्या उन खतरों की याद दिलाती है जिनका सामना पत्रकारों को करना पड़ता है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करने और सत्ता के सामने सच बोलने के लिए सामने आते हैं। यह कानपुर और दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चल रहे संघर्ष पर भी प्रकाश डालता है। इस मामले का कानपुर समाज पर भी अस्थायी प्रभाव पड़ा है। इसने शहर को संगठित अपराध और राजनीतिक प्रतिष्ठान से इसके संबंधों के मुद्दे का सामना करने के लिए मजबूर किया है। इसने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए एक नई कमिटमेंट। 2011 में कानपुर प्रशासन ने पत्रकारों की हत्या की जांच के लिए आयोग की स्थापना की, जिसे पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने का काम सौंपा गया है। आयोग ने कानपुर में पत्रकारों पर हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद कानपुर में प्रेस की आज़ादी और न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पत्रकारों को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पुलकेश कुमार की विरासत लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति सतर्क और प्रतिबद्ध रहने के लिए आवश्यकता के एक शक्तिशाली प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है।